शनिवार को केंद्र सरकार ने महंगाई से त्रस्त जनता को बड़ी राहत दी है। नमस्कार, मैं हूं राकेश रंजन और आप देख रहे हैं न्यूज बाई स्कोप। आज शनिवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने यह तय किया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होंगी। कितनी कम होंगी? तो एक्साइज ड्यूटी कम किया गया है। पेट्रोल पर 8 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, जबकि डीजल पर 6 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम की गई है। अगर इसके इम्पैक्ट की हम बात करें तो पेट्रोल की कीमत में जो है लगभग 9.5 रुपए की कमी हो जाएगी, जबकि डीजल की कीमत 7 रुपए घट जाएगी। तो ये एक बड़ी राहत है। महंगाई से लोग परेशान थे और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों के बढ़ने से परिवहन का जो शुल्क है वो बढ़ जाता है, वो कॉस्ट बढ़ जाता है, जिससे जो इफेक्टिव लागत कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है और इसके बदले जो है जनता को महंगाई का सामना करना पड़ता है। और आपको ये जानकारी दे दें कि इस कमी की वजह से जो केंद्र सरकार है उस पर लगभग 1 लाख करोड़ का सालाना जो है वो बोझ पड़ने वाला है पेट्रोल डीजल की कीमतों में, जो ये बड़ी कटौती की गई है। एक बार फिर से बता दूं कि पेट्रोल की कीमत लगभग 9.5 रुपए कम हो रही है, जबकि डीजल की कीमत जो है वो 7 रुपए कम हो जाएगी। एक और राहत देते हुए उज्ज्वला योजना में जिन लोगों को गैस मिला है सब्सिडी के तहत, वैसे लोगों के गैस कीमत पर जो गैस सिलेंडर होगा उसमें प्रति सिलेंडर 200 रुपए की बड़ी कमी की गई है। तो ये जो उज्ज्वला योजना से जो जरूरतमंद लोग हैं जिनको कि गैस दिया गया है केंद्र सरकार की ओर से, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। और अक्सर ये आरोप लगता रहा है विपक्ष की तरफ से कि ये जो उज्ज्वला योजना है उसमें लोगों ने सिलेंडर तो उन्हें मिल गया है लेकिन वो उसे जला नहीं पाते क्योंकि गैस इतनी महंगी है। तो उसे उसके एक जवाब के रूप में इसे आप देख सकते हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कमी की गई है। अगर इसके राजनीतिक आस्पेक्ट पर हम जाएं तो हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार पर एक दबाव बन रहा था क्योंकि महंगाई दर लगभग 7% के आसपास पहुंच चुकी थी और विपक्ष व सत्ता पक्ष को केंद्र सरकार को निशाने पर ले रहा था और बार बार कह रहा था कि महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रही है और पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करने के लिए केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। तो आप कह सकते हैं कि एक विपक्ष का भी प्रेशर था और केंद्र सरकार ने इस बार फैसला लिया कि लोगों को राहत देने के लिए, आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की जाए। तो पेट्रोल की कीमत में 9.5 रुपए की कमी, डीजल की कीमत में 7 रुपए की कमी की गई है। लेकिन इसके साथ ही एक दिलचस्प बात यह है कि फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक बड़ी बात कही है और उन्होंने कहा है कि अब राज्य सरकारें जो हैं वो अपना वैट कम करें जिससे कि जनता को और जो है वो राहत मिले। और खास करके उन्होंने उन राज्यों को वैट कम करने के लिए खास तौर से कहा है जिन्होंने, जो आखिरी बार वैट कम हुआ था नवंबर 2021 में, उस वक्त वैट कम नहीं किया था। तो उसमें ज्यादातर विपक्षी राज्य हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने एक जवाबी हमला भी इस तरह से बोल दिया है और अब दबाव जो है राज्य सरकारों पर होगा क्योंकि जनता ये जानना चाहेगी कि केंद्र सरकार ने तो भारी कटौती की है 9.5 रुपए और 7 रुपए की, तो क्या अब राज्य सरकार उन्हें और राहत दे सकती है और अगर नहीं दे रही तो क्यों नहीं दे रही है। तो इस लिहाज से ये जो है एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति भी बन गई है। लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ी राहत है और शनिवार को ये बहुत ही अच्छी खबर आई है। महंगाई पर उम्मीद करें कि इससे लगाम जो है वो लगेगा, कीमतों की कमी का लाभ जो है वो आम जनता तक पहुंचेगा। लेकिन देखना ये होगा कि ये जो कीमतें कम हुई हैं, क्या जो यातायात के शुल्क बढ़े थे, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कीमतों में इजाफा हुआ था, उसमें कितनी जल्दी कमी होती है। जितनी जल्दी उनमें कमी होगी तो इफेक्टिव कॉस्ट कम होगा और चीज़ें जो है वो सस्ती होंगी। तो एक बार फिर से आपको बता दूं
कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती केंद्र सरकार ने शनिवार को की है। पेट्रोल की कीमत में 9.5 रुपए की कमी, जबकि डीजल की कीमत में 7 रुपए की कमी। साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर लेने वाले परिवारों को प्रति गैस सिलेंडर 200 रुपए अब कम देने होंगे। राकेश रंजन, न्यूज बाय स्कोप के लिए।